उसके साथ क्या करने का उसका प्लानिंग था उस बैक्टीरिया के साथ या उस क्लोरी के साथ। तो इसका आंसर है इन द ओके स्पीडिंग कैप ही एक्सीडेंटली ब्रोक द ट्यूब कंटेनिंग द बैक्टीरिया व्हेन हिज हैंड हिट द डोर ऑफ द कैप। तो क्या हुआ कि जो गाड़ी था वो बहुत ही स्पीड जा रहा था तो उसकी वजह से वो गाड़ी झूलने लग रहा इस तरह इस तरह झूलने लगा ज़्यादा झुकना झुक सौ पाया जुलाई सूं गाड़ी। तो एक्सीडेंटल तो उसे हादसा तन क्या हो गया उसकी हाथ से वो ट्यूब गिर गया और वो टूट गया। फिर उसमें जो बैक्टीरिया था वो भी क्या हो गया वो सब गिर गया ज़मीन पे। तो फिर ब्रोक द ट्यूब कंटेनिंग द बैक्टीरिया व्हेन हिज हैंड हिट द डोर ऑफ द कैब। जब उसके हाथ उस टैक्सी के डोर से जब लग गया तो वो टूट गया। तो द मैन वॉज प्लानिंग टू पॉइजन द वाटर ऑफ लंदन एंड डिवोस्टेड द सिटी। तो वो जो इंसान था आदमी था उसका प्लानिंग था कि पूरे लंदन के जो पानी है उसको जहर बनाना एंड डिवोस्टेड और तबाही मचाना। डिवोस्ट का मतलब होते हैं तबाही, डिवोस्टेड का मतलब होता है तबाही द सिटी और पूरा सिटी को तबाह करना था। एक और बात जो सिटी है ना सिटी असल में लास्ट में टी है लेकिन यहाँ पे डी का सुन रखा है सिटी। सिटी। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चंस पे। तो लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द बैक्टीरियोलॉजिस्ट रिवील टू हिज वाइफ अबाउट द कंटेंट ऑफ द स्टोलन ट्यूब। व्हाट डिड ही थिंक वुड बी अ बॉदर। तो जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था उसने अपने बीवी को उसके बारे में उस ट्यूब के बारे में क्या रिवील किया। रिवील का मतलब होते हैं किसी राज को खोलना या किसी बात को खोलना। तो उसके बारे में उसको क्या बताया अबाउट द कंटेंट ऑफ द स्टोलन ट्यूब यानी जो चुरा हुआ जो ट्यूब जो उस आदमी ने चुरा के ले गया था उसके बारे में उसने क्या उसको रिवील किया उसकी सच्चाई कैसे क्या बताया सच्चाई क्या बताया। What did he think would be a bother? तो उसके हिसाब से यानी क्या चीज़ उसके लिए परेशानी का बाइस था। तो the bacteriologist revealed to his wife that the tube stolen by the anarchist did not contain cholera but a strange new species of bacteria which can cause blue patches or can turn animals blue। तो उसने इसका यानी जो राज बताया अपने बीवी को उस स्टोलन ट्यूब के बारे में जो उस एनर्किस ने चुरा के भाग गया था। उसने बताया कि उसमें कोई कुलेरा नहीं है कोई हाजिया नहीं है लेकिन एक अजीब सा क्या है नया जो स्पीशीज है बैक्टीरिया का नया जो बैक्टीरिया है उसका एक नया स्पीशीज है नया नू है या नू है एक्साम नू है चीज़ों यानी इसको नबातात या इसको क्या कहा जाते हैं यानी एक नया स्पीच का उस एक बैक्टीरिया का जो नया स्पीच है वो उसमें है विच कैन काज यानी जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं जो कर सकते हैं ब्लू पे जो अगर कोई इंसान खाएगा या कोई जानवर जब उसको वो खिलाता था तो उस पर क्या आ जाता था यानी नीला नीला उस पर क्या आ जाता था पेच आ जाता था दाग आ जाता था धब्बा हो जाता था उसकी बॉडी पे वो निकल जाता था उसको पीने की वजह से। और कैन टर्न एनिमल ब्लू या अगर कोई जानवर उसको पिएगा तो उसका कलर पूरा चेंज हो जाता था वो ब्लू हो जाता था नीला हो जाता था। अब एक होते हैं पैल का मतलब क्या होते हैं पीला अब ये ब्लू का मतलब क्या नीला तो थोड़ा कन्फ्यूज हो ना। तो उसने कहा कि अगर ये कोई पिएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। तो और दूसरा ये कोई हार्मफुल नहीं है द बॉदर ऑफ हिम वॉज देट ही हैज़ टू गो थ्रू ऑल द ट्रबल एंड एक्सपेंस ऑफ प्रपेयरिंग इट ऑल ओवर अगेन। तो उसका परेशानी क्या था उसका परेशानी ये नहीं था कि उसने वो चुराया और लोगों को ही करेगा नुकसान पहुँचाएगा उसका परेशानी ये था कि अब उस बैक्टीरिया को फिर से वो उसको लेबॉरेटरी में उसको बनाना पड़ेगा और उसका बनाने का सारा खर्चा करना पड़ेगा उसका एक्सपेंस उठाना पड़ेगा उसको बनाने के लिए और फिर से उसको इतना सारा मेहनत करना पड़ेगा फिर से शुरू से उसको बनाना पड़ेगा। तो उसको यही परेशानी थी। तो यहाँ पे अब हम स्टॉप करते हैं रिटर्न फिर हम कल डिस्कस करेंगे।
ओके, होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो कल आप हमें ये ओके बोल सकते हैं. हैव ए नाइस डे.